थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को गीता प्रेस रोड माया टाकीज के सामने राहगीरों के लिए निःशुल्क पियाऊ का उद्घाटन किया गया। मई महीने में भीषण गर्मी पड़ रही है, जल पिलाना पुनीत कार्य है। इस पुनीत कार्य में सोसाइटी के सभी सदस्यों ने सहयोग किया। राहगीरों के लिए निःशुल्क पियाऊ पूरी गर्मी तक चलेगा। इस अवसर पर थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश निभानी, महामंत्री संजय अग्रवाल, चंद्रकेश निगम, सुशील कपूर, मनीष सराफ, राहुल अग्रवाल, शिव कुमार अग्रवाल, बद्री अग्रवाल, आशीष अग्रवाल, अजय सिंह, मनोज कश्यप, चंदन अग्रवाल उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चंद्रकेश निगम ने कहा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र हेडलाइन पर। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। चंद्रकेश निगम, महामंत्री। यह गोरखपुर थोक वस्त्र व्यवसाय वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में, जो कि संगठन जो है व्यापारिक हितों के साथ साथ सामाजिक कारणों में भी हमेशा हर काम में आगे रहता है, उसी कड़ी में आज इस भीषण गर्मी को देखते हुए थोक वस्त्र व्यवसायी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राजेश निभानी के नेतृत्व में आज यहाँ पे सर जनमानस के लिए पियाऊ का उद्घाटन किया गया, जिससे इस गर्मी में सबको पानी की व्यवस्था हो, पीने की पानी की व्यवस्था हो और एक राहत का काम हो।